एसेट्स क्या होता है, एसेट्स हम कैसे बाय कर सकते हैं। हम मार्केट में जब कोई सामान खरीदने जाते हैं या कोई ऐसे ठोस चीज़ें खरीदे जाते हैं तो हमें क्या एसेट्स खरीदते हैं या लाइबिलिटी, ये चीज़ें हमें जानना है, तो हम इस पे आज चर्चा करेंगे। हाय नमस्ते, मेरा नाम शिव कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं शिव कुमार का यूट्यूब चैनल। सो आज इस चैनल पे हम बात करने वाले एसेट्स क्या होता है। एसेट्स वो चीज़ें होता है जब हम मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं या जैसे हम कोई चीज़ बाय करते हैं, तो एसेट्स हमें जो एसेट्स बोले, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें एक घर खरीदा, अगर वो घर खरीदा अपने लिए खरीदा है वो घर, तो हम वो हमारा लाइबिलिटी हो गया, एसेट्स वो नहीं काउंट किया जाएगा ना, वो एसेट्स में आएगा बल्कि वो हमारा लाइबिलिटी हो गया। और लाइबिलिटी में हमारे सारे खर्चे होते हैं, हमारा उसमें से कुछ कमाई नहीं होता। और वही घर अगर हम भाड़े पर चढ़ा दें, रेंट आएगा उससे महीने का, फॉर एग्जाम्पल 5,000 से 10,000 अगर आपका रेंट आता है, उससे भाड़ा आता है आपका महीने का, तो वो हो गया एक एसेट्स, क्योंकि हमें लाइफ टाइम वो भाड़ा देता रहेगा। ऐसे होते हैं एसेट्स। लाइबिलिटी यही होता है, अगर कोई चीज़ हमने खरीदा, फॉर एग्जाम्पल आपने कार खरीदा है, आपको लगता है कि वो हमारा एसेट्स है, बट नॉट, आपका वो एसेट्स नहीं, आपका वो लाइबिलिटी, क्योंकि आप हर महीने उसमें मेंटेनेंस दे रहे हैं, उसका सर्विस, उसका फ्यूल चार्ज, उसका पार्किंग चार्ज आपके जेब से जा रहा है। आपने 10 लाख की गाड़ी ली, हर महीने उसमें आपका 10-15, 10-15, 5-10 हज़ार सर्विस में जाता ही रहता है। ये हो गया एक लाइबिलिटी, एसेट से आपको ऐसे पहचान करना है। अगर कोई भी चीज़ आप खरीदते हो उसमें आपको कमाई हो रहा है, उससे वो पैसा से आपको पैसा कमा के दे रहा है, तो वो हो गया एसेट। अगर गाड़ी की बात करें तो हम अगर एक लोडिंग बोलेरो लेते हैं फॉर एग्जांपल, या लोडिंग गाड़ी लिया है, कोई भी एक्स वाई जेड गाड़ी लिया, अगर हम उसको ओला या ऊबर या लोडिंग गाड़ी है अदर अदर कंपनियों में हमने लिस्ट किया या खुद से हम चलाते हैं, अगर उससे हमें पैसा जनरेट होता है तो हमारे लिए वो एसेट्स हुआ, वो हमें पैसा कमा के दे रहा है, वो एसेट्स हुआ। तो आई होप ये जानकारी आप सभी को पसंद आई है, तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दो, ताकि ऐसे बहुत सारी वीडियो आपको पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी, उसको मिस ना हो। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।